नमस्कार, मैं जिग्नेश ऑल्ट न्यूज से। सोशल मीडिया पर आए दिन पुरानी तस्वीरें गलत दावों के साथ साझा की जाती है। आज हम बात करेंगे ऐसी ही एक तस्वीर की जिसमें भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनकी बेटी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तस्वीर की। तस्वीर में दो अनजान व्यक्ति हैं। अगर सोशल मीडिया पर चल रहे दावों की माने तो वे इंदिरा गांधी के पति फिरोज खान हैं और फिरोज खान के पिता यूनुस खान हैं। तस्वीर को सोशल मीडिया पर साझा करते हुए कई अन्य उपयोगकर्ताओं ने एक समान दावा किया है। तस्वीर की पड़ताल करने से पहले एक गूगल सर्च से हमें यह पता चलता है कि इंदिरा गांधी के पति का नाम फिरोज गांधी था और उनके पिता का नाम फरीदून जहांगीर गांधी था। आगे वायरल हो रही तस्वीर की एक गूगल रिवर्स इमेज सर्च करने पर हमें यह पता चलता है कि तस्वीर में दिख रहा लंबी दाढ़ी वाला व्यक्ति रूसी चित्रकार और दार्शनिक निकोलाई रेरिक है। रेरिक के बगल में खड़ी व्यक्ति की पहचान एम यूनुस बताई गई है। वहीं द ट्रिब्यून में प्रकाशित एक लेख में यह कहा गया है कि मोहम्मद यूनुस एक स्वतंत्रता सेनानी, प्रतिष्ठित राजनयिक और नेहरू परिवार के करीबी दोस्त थे। हमें ये तस्वीर विकिपीडिया पर भी मिली। तस्वीर का स्रोत निकोलाई रेरिक की पत्नी एलेना द्वारा लिखे गए पत्रों का संकलन है। किताब में दी गई एक और तस्वीर जिसमें रेरिक और नेहरू उपस्थित है, उसमें भी मोहम्मद यूनुस को देखा जा सकता है। संयोग से मैं उस वक्त हिमाचल प्रदेश में था और कुल्लू जिले में स्थित निकोलाई रेरिक आर्ट गैलरी की मुलाकात ले पाया। वहां पर मुझे वायरल हो रही तस्वीर के अलावा रेरिक और नेहरू की कई और तस्वीरें देखने को मिली। गैलरी में रखे कई कागजों में दी गई जानकारी के अनुसार जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी वर्ष 1942 में रेरिक से मिले थे। पहली बात तो ये कि इंदिरा गांधी के पति का नाम फिरोज खान नहीं फिरोज गांधी है और फिरोज गांधी के पिता का नाम फरीदून जहांगीर गांधी है और वे दोनों इस तस्वीर में है भी नहीं। वायरल हो रही तस्वीर में जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, निकोलाई रेरिक और मोहम्मद यूनुस को देखा जा सकता है। धन्यवाद।